पवन ने नए कॉलेज में दाखिला लिया था। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। वो क्लास की लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। क्लास में एक एक करके बच्चे आ रहे थे। इसी बीच अंजलि भी क्लास में आई। पवन ने अंजलि को देखा। अंजलि बहुत ही खूबसूरत थी। पहली नजर में ही पवन अंजलि को दिल दे बैठा। पवन ने अंजलि से बात करना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई। समय बीतता रहा, सबके दोस्त बनते रहे, लेकिन पवन अभी भी अंजलि को अपना दोस्त बनाना चाहता था। अंजलि को उसके दोस्तों ने बताया कि शायद पवन उसे पसंद करता है, लेकिन अंजलि ने उनकी बात हंसकर टाल दी। कुछ समय बाद अंजलि ने कॉलेज आना बंद कर दिया। इस दौरान पवन परेशान सा रहने लगा। वो सोचता पता नहीं अंजलि को क्या हुआ, जाने क्यों वो कॉलेज नहीं आती। 3 दिन बाद अंजलि वापस कॉलेज आई तो पवन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उससे पूछ ही लिया, सुनिए आप 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? आप क्यों पूछ रहे हो? वो 3 दिन में टीचर्स ने काफी सारा काम करवाया है ना, तो आपको करने में दिक्कत होगी। वैसे आप चाहो तो मेरे नोट्स ले सकती हो। ठीक है, जब जरूरत होगी मैं बता दूंगी। अंजलि का इस तरह पवन से बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि अंजलि उसकी टांग खींच रही थी। अंजलि को लगा पवन उससे बात करने दोबारा आएगा, लेकिन इस तरह से बात करने के बाद पवन ने अंजलि के आसपास भटकना भी बंद कर दिया। एक रोज अंजलि ने पवन को कैंटीन में देखा। सुनो पवन, मैं कह रही थी मुझे अपने नोट्स दिखा दो। सिर्फ देखना है या फिर चाहिए? अरे बुद्धू, चाहिए ही होंगे, देखकर काम थोड़ी होता है। इस तरह पवन और अंजलि के बीच बातचीत शुरू हुई। पवन और अंजलि पूरे पूरे दिन साथ रहते, साथ में पढ़ाई करते, साथ में खाते, साथ में घूमते और साथ साथ घर जाते। 3 साल बाद दोनों की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। वहीं पवन और अंजलि की दोस्ती भी प्यार में बदल चुकी थी। अब दोनों के मन में एक ही सवाल था कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। पवन के पिताजी फौज में थे, इसलिए पवन भी बड़ा होकर फौजी बनना चाहता था, लेकिन अंजलि को ये बात पता नहीं थी। एक रोज दोनों कैंटीन में बैठे हुए थे। पवन, आगे का क्या प्लान है? कैसा प्लान? मैं कुछ समझा नहीं। अब कहाँ जॉब करोगे? हमें शादी भी तो करनी है। हाँ बिल्कुल सही कहा, बस इस साल आर्मी की तैयारी करूँगा और उसके बाद आर्मी में जाऊँगा, फिर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। क्या कहा, आर्मी? हाँ, इसमें क्या हुआ? ना बाबा ना, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो आर्मी को छोड़ना होगा। वैसे भी मेरे पापा को दफ्तर में बैठने वाला दामाद चाहिए, ना कि बॉर्डर पर जान को हथेली पर रखने वाला। जिस तरह तुम्हारे पापा के सपने हैं, उसी तरह मेरे पिताजी के भी सपने हैं। उन्होंने भी सपना सजाया है कि उनका बेटा फौज में जाए। मैं उनका सपना नहीं तोड़ सकता। यार मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मनाने की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। एक बार मुझे आर्मी में लगने दो, उसके बाद मैं सबको मना लूंगा। पर तुम 6 महीने अपनी ड्यूटी पर रहोगे, इतने में मैं क्या करूंगी? अरे छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ बिल तुम पे करोगी? वाह जी वाह, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, कटना तो खरबूजे को ही है। पवन ने अंजलि की बात तो काट दी, लेकिन ये कहानी इतनी सरल नहीं थी जितनी कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। पवन और अंजलि इस बात को लेकर आपस में झगड़ते थे, लेकिन पवन का रास्ता बिल्कुल साफ था। उसे कुछ भी करके फौज में जाना था। पवन आर्मी की तैयारी करने लगा। वो कोचिंग जाकर आर्मी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करता और सुबह शाम फिजिकल एग्जाम की। जब अंजलि को ये बात पता चली तो उसे काफी बुरा लगा, क्योंकि वह सोचती थी कि शायद पवन उसके कहने पर आर्मी का सपना छोड़ देगा। अंजलि ने पवन को पास के कैफे में बात करने के लिए बुलाया। क्या हुआ अंजलि, आज अचानक कैसे बुला लिया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बिल्कुल करो, हम यहाँ बात करने ही तो आए हैं। अगर तुम्हें 2 चीजों में से एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? अरे भाई पहले 2 चीज तो बताओ। मैं और आर्मी। ये सुनकर दोनों के बीच में सन्नाटा सा छा गया। पवन किसी भी एक चीज को नहीं छोड़ना चाहता था।
अंजलि की ये बात सुनकर वह असमंजस में पड़ गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों को चुन लूं? नहीं। ठीक है, फिर मैं इंडियन आर्मी को चुनता हूँ। पवन की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगा। अंजलि की आंखें भर आई और वो रोती हुई वहां से अपने घर चली गई। अंजलि ने कभी सोचा नहीं था कि उसे चाहने वाला आर्मी के लिए उसे ही छोड़ देगा। पवन को भी ये कहते हुए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन पवन भी आखिर करता क्या, जो सपना उसने बचपन से देखा था उसे पूरा करना ही था। दोनों के रास्ते अलग हो गए। पवन ने दिल लगाकर आर्मी के लिए मेहनत की, वह दिन रात पढ़ाई करता। कुछ ही समय बाद उसने आर्मी का एग्जाम दिया और अच्छे अंकों से पास भी हुआ। इसके बाद फिजिकल एंट्रेंस भी पवन ने बड़ी आसानी से पार कर दिया। कुछ समय बाद पवन की नौकरी फौज में लग गई। उसके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पवन के पिताजी चाहते थे कि बड़ा होकर वो देश की सेवा करे। पवन अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरा। दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। समय का पहिया इसी तरह घूमता रहा। कुछ सालों बाद अंजलि की शादी रवि नाम के एक लड़के से हुई। रवि बैंक में अकाउंटेंट की पोस्ट पर कार्य करता था। अंजलि को ऐसा ही पति चाहिए था जो रोज उससे मिले, उसके साथ रहे और अच्छी कमाई करे। अंजलि अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। एक रोज उसका पति ऑफिस से आया। लीजिए पानी। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। अरे बस क्या बताऊँ, ऑफिस की तरफ से पूरा स्टाफ अपनी अपनी फैमिली के साथ जम्मू जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर दी है। कब जाना है? हम यहाँ से परसों निकलेंगे, सर ने एसी बस करवाई है। ठीक है, फिर मैं आज से ही जल्दी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ। अंजलि और रवि ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली। वो समय भी आ गया जब पूरा स्टाफ जम्मू के लिए रवाना हो गया। लगभग 12 घंटे का सफर करने के बाद पूरा स्टाफ जम्मू में दाखिल हुआ। जम्मू में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। वो सभी लोगों को एक खाली खंडर में ले गए। आतंकवादियों को जिससे जो मिला उन्होंने उससे वह छीन लिया। बस के सभी लोगों को घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया गया। कुछ ही देर में खबर इंडियन आर्मी के पास पहुंच गई। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी लोगों का रेस्क्यू करने जम्मू पहुंची। दूसरी तरफ आतंकवादी लोगों को डरा रहे थे। वो कभी किसी को मारते तो कभी किसी को गालियां देते। रवि अपनी बीवी से कुछ ही दूरी पर था। रवि को एक आतंकवादी ने दो थप्पड़ लगाए, जिसके बाद वो बहुत डर गया। रवि ने देखा कि किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। मौके का फायदा उठाकर वो पीछे से भाग गया। एक आतंकवादी अंजलि के गले से उसकी सोने की चैन तोड़ने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके सिर में एक गोली लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। असल में इंडियन आर्मी की टीम वहां पहुंच चुकी थी। टीम ने बिना रुके आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर ही 5 आतंकवादियों की मौत हो गई। अब टीम खंडर के अंदर आई तो सभी सैनिक रुक गए, क्योंकि एक आतंकवादी ने अंजलि को गन पॉइंट पर रख लिया था, जिसके बाद कैप्टन ने अपनी टीम को रोक दिया। अपने हथियार फेंक दो। कैप्टन ने अपनी राइफल नीचे रख दी और धीरे से आगे बढ़ने लगा। आतंकवादी ने उससे कहा कि वो अपने घुटनों पर बैठ जाए। कैप्टन अपने घुटनों पर बैठ गया। आतंकवादी का ध्यान जैसे ही दूसरे फौजी पर गया, कैप्टन ने अपने बूट से पिस्टल निकाली और आतंकवादी के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद कैप्टन ने अपना आर्मी मास्क हटाया। मास्क हटाते ही अंजलि हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि पवन था। हाय अंजलि, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। इतनी दूर से अकेले आई हो? नहीं, मेरे पति भी साथ आए थे, लेकिन वो पता नहीं कहीं चले गए। कैसा आदमी है, अपनी पत्नी को मुसीबत में छोड़कर चला गया। चलो तुम हमारे साथ कैंप में चलो, मैं तुम्हें वहाँ किसी से मिलवाता हूँ। पवन अंजलि को अपने कैंप लेकर गया। वहाँ उसने उसे अपनी मंगेतर से मिलवाया। पवन की मंगेतर प्रिया भी आर्मी से ही थी। अगले महीने दोनों शादी करने वाले थे। ये सब देखकर अंजलि को 3 साल पहले लिए अपने फैसले पर काफी अफसोस हुआ। वो सोच रही थी कि अगर आज उसने पवन से शादी की होती तो उसकी रक्षा करने वाला उसे बहादुर पति मिलता।